नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। नशा मुक्ति अभियान एवं अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग रीवा द्वारा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वृत्त मऊगंज में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 9 प्रकरणों में 1830 किलोग्राम लाहन एवं 14 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 93,000 रुपए आंकी गई है। क्या भट्टी है? इस पूरी कार्रवाई को लेकर आबकारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार बेलवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी उपायुक्त के निर्देश पर लगातार अवैध मदिरा बनाने और बिक्री करने वालों के खिलाफ जिले में कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि लगातार सूचना मिलने के बाद आज एक बार फिर संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के आसवन विक्रय परिवहन एवं संग्रह के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आज की कार्रवाई में वृत्त मऊगंज में संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान 9 प्रकरणों में 1830 किलोग्राम लाहन एवं 14 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 93,000 रुपए आंकी गई है। इस पूरी कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक शबनम बेगम, मनोज कुमार बेलवंशी, आशीष शुक्ला सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।